दोस्तों क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस अब आप सब जाने चुके होंगे कि भाई सब एक बंगाली फिल्म भी आने वाली है जिसका नाम है चंगेज, जिसका एक टीजर हिंदी टीजर और साथ एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है। बस अभी तक गाइस यही कॉन्टेंट आया है कि ऑलमोस्ट सबको पता चल चुका है कि भाई एक बंगाली फिल्म चंगेज भी आने वाली है जिसमें लीड स्टार है जी, और गाइस इसमें रिलीज होना है सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ, यानी कि 21st of April को। देखिए गाइस मैं आपको बताऊं ना, एक बात आप माइंड में रखिए, भले सलमान खान की फिल्म जैसी भी हो इस पे कोई डाउट नहीं, अच्छी हो बुरी हो उसको साइड पे रखिए, लेकिन सलमान खान की वजह से जीत की ये फिल्म यानी कि चंगेज को हिंदी बेल्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं हाइप मिल जाएगी। देखिए अब इसका बहुत से लोग कहेंगे कि भाई जीत छोटा स्टार तो नहीं है ये वो, तो एक दफा बात सुन लेना उसके बाद रिएक्शन दिया करो, डायरेक्ट छलांग मारते हो। तो सीन ये है कि भली बंगाल के अंदर जीत की बहुत ज्यादा हाइप हो, मतलब कि सब लोग जानते हो, लेकिन बॉलीवुड के अंदर जो बॉलीवुड से हटकर स्टार होते हैं ग्राउंड लेवल पे उनको बहुत कम लोग जानते होते हैं। जैसे देखिए आप और मैं तो सोशल मीडिया यूज करते हैं डेली, हमें तो पता है कि जीत कौन है, रॉकी भाई कौन है, एक्सेट्रा सबको हम जानते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल ऑडियंस है उनको नहीं पता होता। लेकिन अब सलमान खान की फिल्म आ रही है, एक बहुत बड़ा स्टार है, तो ऑफकोर्स उसके साथ कोई क्लैश कर रहा है तो उसका नाम भी तो सामने आएगा, जिस वजह से गाइस हाइप मिल जाती है। और बिलीव मी मैं आपको बता चलूं, किसी का भाई किसी की जान और साथ गाइस चंगेज ये दोनों रिलीज हो रही हैं ईद पे, यानी कि 21st या 22nd of April को। अब गाइस उसके बाद देखिए अप्रैल के वो 10 दिन, उसके बाद मई का पूरा मंथ है। बिलीव मी मई के पूरे मंथ में कोई बड़ी फिल्म रिलीज, भाई कोई फिल्म ही रिलीज नहीं हो रही, बड़ी को छोड़ो कोई फिल्म ही रिलीज नहीं हो रही। तो इन फिल्मों के पास लगभग 40 दिन है, तो अब सिर्फ डिपेंड करता है इनकी स्टोरी लाइन के ऊपर। तो अगर तो गाइस चंगेज की स्टोरी लाइन अच्छी हुई तो ये 40 दिन चल सकती है, और किसी का भाई किसी की जान उसकी स्टोरी लाइन अच्छी हुई तो वो चल सकती है। तो बहुत बड़ा मैं कहता हूं गाइस चंगेज के मेकर्स के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर तो गाइस उनकी फिल्म में दम हुआ तो देखते जाओ, मैं कहता हूं 40 दिन में ये तबाही एक रिकॉर्ड बना डालेगी। तो बस गाइस अब रिकॉर्ड तो तब बनाएगी जब ट्रेलर आएगा। तो वो से भाई लोग दोस्त वेट कर रहे थे ट्रेलर को और मुझसे पूछ रहे कि बताओ कि ट्रेलर कब आना है। तो देखिए गाइस अपडेट्स के अकॉर्डिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें चंगेज का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। जो डेट सामने आ रही है गाइज वो है 5th of April की, 5th of April को हमें चंगेज का ट्रेलर देखने को मिल सकता है। इसके बाद साथ एक और क्वेश्चन भी था कि क्या ट्रेलर हिंदी में आएगा। तो देखिए गाइज मैं आपको बताता चलूं, जब इसका टीजर आया था तो पहले बंगाली लैंग्वेज में इसका टीजर आया था, बंगाली लैंग्वेज के लगभग 2 से 3 महीने बाद अभी इसका हिंदी टीजर आ रहा है। लेकिन ट्रेलर के टाइम दोनों ट्रेलर को एग्जैक्ट डेट प्लस टाइम पे रिलीज किया जाएगा, मतलब डिफरेंस नहीं होगा कि आज बंगाली ट्रेलर आ रहा है और कल गाइस हिंदी आ रहा है, नहीं एक ही टाइम पे बंगाली प्लस हिंदी ट्रेलर आएगा। और गाइस आई थिंक सो जिस तरह से इसकी हाइप है, मतलब कि जिस तरह पे टीजर में एक्शन था और सॉन्ग में जीत के वो जो मींस कि उनका अंदाज था, तो लग रहा है कि ये दोनों अगर चीजें मिलाई हुई मेकर्स ने और ट्रेलर कमाल का बनाया हुआ तो मूवी को रेस्पॉन्स मिलेगा। देखिए गाइस आजकल ना मूवीज थिएटर में कैसे चलती हैं, जब उनके टीजर और ट्रेलर ऑडियंस को पसंद आया हो, टीजर ट्रेलर ही ऑडियंस को पसंद ना आए तो फिर गाइस ऑडियंस क्यों थिएटर जाए। इसीलिए मेकर्स ना टीजर ट्रेलर पे दम लगा देते हैं कि भाई चीज बननी चाहिए। तो अब टीजर तो कमाल का था, सॉन्ग भी कमाल का हुआ, रेस्पॉन्स मिला, कुछ लोगों ने KGF की कॉपी बोली, कुछ ने क्या बोला, लेकिन उन सारी चीजों को साइड पे रख के अब देखना यह कि मेकर्स ट्रेलर में क्या देते हैं। अगर तो ट्रेलर अच्छा हुआ तो गाइस इस फिल्म को बंगाल से तो रेस्पॉन्स मिलेगा, साथ गाइस हिंदी से भी रेस्पॉन्स मिलेगा। तो गाइस अब आप लोग बताएं क्या लगता है चंगेज मूवी का ट्रेलर कैसा होगा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या तबाही मचा पाएगी नहीं मचा पाएगी, नीचे बताओ। होप्स आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।